हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, ये बोर्ड है, चाइना का कॉम्बो बोर्ड है, 32 इंची LED TV में लगता है ये। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम लोग इसको स्विच को ऑन करते हैं, स्टैंड बाई से रिलीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रिलीज नहीं होता। इसमें लाइट ब्लिंक करके उसके बाद अगेन स्टैंड बाई मोड में रह जाता है। देखिए, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ब्लिंक करेगा LED, थोड़ा टाइम बाद ब्लिंक करेगा और अगेन ये स्टैंड बाई में रह जाएगा। यहाँ पे देखिए, ब्लिंक कर रहा है। आप लोग देखिए, तब तक मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी मॉस्फेट्स होते हैं, मॉस्फेट्स ख़राब हो जाते हैं, और ख़राब होने की वजह से जब भी हम लोग रिलीज करने की कोशिश करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप वहाँ से आता ही नहीं है और वो रिलीज नहीं हो पाता। वो सही मॉस्फेट ख़राब होने की वजह रिलीज नहीं हो पाता और इसी चलते वो फिर उसी मोड में चला जाता है, स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। हम लोग वोल्टेज को चेक करते हैं। देखिए, मल्टीमीटर को सेट कर लिए, 200 DC पे करके रखे हैं मल्टीमीटर को। देखिए, यहाँ पे 1118 नंबर की ये रेगुलेटर IC होती है। देखिए, इस पर इसके दो पिन जो पीछे होते हैं, दोनों पिन पे 3.2 वोल्ट आ रहा है। यहाँ दिख रहा है 3.3 वोल्ट आता है, मल्टीमीटर का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 3.2 वोल्ट यहाँ से आता है, ये जाता है उस फ्लैश IC को और इधर ये TV ट्यूनर को। देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये MOSFET यहाँ से यहाँ पे बोल्ट आता है, यहाँ से आता है, ये MOSFET से आता है वहाँ पे बोल्ट। अब यहीं नहीं बन पाता है, IC का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए रिलीज नहीं हो पा रहा है। देखिए, यहाँ उधर उसके पीछे MOSFET के पीछे बन रहा है, लेकिन उसके आगे नहीं रिलीज हो रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा स्टैंड बाई आने पर। देखिए, ब्लिंक होता है तब आता है जब हम लोग स्टैंड बाई रिलीज करेंगे। देखिए, अभी रिलीज होगा, ब्लिंक होगा। हाँ, ये ब्लिंक किया, अब इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए। अगर आगे स्टार्ट होता तो ये तुरंत आ जाता। अभी हम लोगों ने उसको निकाल दिया, मैंने उसे निकाल दिया, निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा इसलिए वीडियो को पॉज कर दिया। देखिए, अभी इसको मैंने MOSFET को निकाल दिया है, अब फिर रिलीज करते हैं। देखिए, स्टैंड बाई निकाल के दूसरा MOSFET मैंने सेम बोर्ड से लगा दिया। देखिए, ये वाला MOSFET हमने निकाल दिया था और निकाल के अब देखते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए, वोल्टेज ओके है, यहाँ पे उधर भी वोल्टेज 1.6 है क्योंकि वहाँ से 5 आ रहा है। अब देखिए, MOSFET पे चेक करेंगे, उस टाइम नहीं आ रहा था 5 वोल्ट MOSFET के। देखिए, थोड़ा मल्टीमीटर दिक्कत हो रहा है। हाँ, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। देखिए, सेट रेडी है, अब इसमें कोई वो नहीं था, वही MOSFET का प्रॉब्लम था। अभी हम इसमें TV में लगा के चेक कर लेते हैं, अच्छा वर ऑन होता है, बैकलाइट वगैरह सही है, नहीं है, पिक्चर बन रहा है कि नहीं। देखिए, ये रेडी हो गया अभी। देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने HDMI को भी कनेक्ट कर लिया है। अब इसको रिमोट से HDMI मोड में करते हैं क्योंकि अभी ये AV मोड में होगा। रिमोट से HDMI मोड में करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए, HDMI ऑन है ये पोर्ट, अभी HDMI 2 में पोर्ट लगा दिए। देखिए, पिक्चर आ रहा है, ये प्रॉब्लम है तो LVDS मैपिंग का है, ये तो फैक्ट्री सेटिंग से ओके हो जाएगा। देखिए, फैक्ट्री सेटिंग से ओके करके दिखाई देते हैं आप लोगों को। मैंने तो सोचा था कि बस इतना ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी प्रॉब्लम है तो इसको भी कर लेते हैं। पैनल सेटिंग में जाएंगे, देखिए पैनल सेटिंग इधर है, पैनल सेटिंग में आने के बाद हम लोग LVDS मैप में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जेटा था, अब हम लोगों ने पैसा किया, पैसा होने के बाद ये ओके पिक्चर हो गया अभी। लेकिन इसमें मिरर का प्रॉब्लम है, मिरर भी कर रही है, ये अभी स्विच ऑफ होगा, ये स्टैंड बाई में जाएगा, फिर ओके हो जाएगा। ये स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे तो ये अब इसका मिरर ओके हो जाएगा। अभी स्टैंड बाई से रिलीज हुआ है,
थोड़ा देर रुकिए, उसके बाद इसका पिक्चर आ जाना चाहिए। देखिए ये रेडी हो गया, अभी मैंने इसका साउंड बंद कर रखा है, अभी कॉपीराइट आ जाएगा। थैंक यू।